एक नगर में रामसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रूपमती बहुत रूपवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों से नजर बचाकर रूपमती के घर में घुस गया। घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था, तो उसने सुना कि रूपमती अपनी एक सहेली से कह रही है, यह दुष्ट विकराल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकराल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा, जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह यह जानना चाहिए कि वह कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके घुड़साल में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी के लिए ही आया था। घुड़साल में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और घोड़े रूपी राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पीठ पर चढ़ गया। घोड़े रूपी राक्षस ने समझा कि यह व्यक्ति ही विकराल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए ही यह मेरी पीठ पर चढ़ा है। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी उबड़खाबड़ जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा और मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। यह सोच ही रहा था कि सामने पेड़ की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर पेड़ की शाखा को हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया, चोर पेड़ की शाखा से लटक कर बच गया। उसी पेड़ पर घोड़े रूपी राक्षस का एक मित्र शिकारी रहता था। उसने डर से भागते हुए घोड़े रूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र डरते क्यों हो, यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। शिकारी की बात सुनकर चोर को शिकारी पर बड़ा क्रोध आने लगा। शिकारी उससे दूर ऊंची शाखा पर था। चोर ने उसे ललकार के कहा, दम है तो नीचे उतर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। चोर की बात सुनकर शिकारी भी ताव में आकर नीचे कूद पड़ा और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। चोर ने शिकारी को खूब मारा। अब शिकारी को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र चाहे तुम कुछ ही कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकराल राक्षस के पंजे में आ गए हो। उसकी बात सुनकर चोर बोला, राक्षस अब तेरा ही नंबर है, तू भी आ जा मैदान में। और चोर राक्षस से जा भिड़ा और उन दोनों में भी खूब लड़ाई हुई और चोर ने राक्षस को हरा दिया और उसे घोड़े से बांधकर उसको घसीटते हुए राजमहल लेकर पहुंचा। सब लोगों ने यह नजारा देखा तो सारे के सारे चौंक गए और सोचने लगे, ये कौन है जो इस राक्षस को घसीट कर ले आया है। तभी वहां पर रानी रूपमती भी आ गई। उसने उस राक्षस को इस हालत में देखा तो रानी ने खूब ताली बजाई और चोर को धन्यवाद किया और वहां के राजा ने चोर और राजकुमारी दोनों का विवाह करवा दिया। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।